नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं, और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हुई हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आकर्षण मुद्रा ध्यान की चर्चा करेंगे। यह एक विशिष्ट तरह की गोपनीय मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा को त्रैलोक की मोहिनी मुद्रा भी कहा जाता है। बहुत ही विशिष्ट प्रकार की जब साधनाएं लोग करते हैं तब इस तरह की मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यह मुद्रा जो होता है आवाहन करने के लिए होता है, अपनी तरफ खींचने के लिए होता है। चाहे आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, किसी भी उद्देश्य से कोई साधना कर रहे हैं, तो ये मुद्रा लगाने से उन देवता की शक्तियों को आप अपने पास आवाहन करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। इस तरह की ये मुद्रा मानी जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है आकर्षण मुद्रा। ये मुद्रा जब लगाकर आप अभ्यास करते हैं आपके चेहरे पर चमक दिखाई देती है, चमक बढ़नी शुरू हो जाती है, आपका प्रभा मंडल बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑरा लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो सोच होती है बहुत पॉजिटिव होती है, मन के अंदर जो नकारात्मक विचार है वो पूरी तरह से दूर होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य जो सोचेगा वही तो उसे मिलेगा, तो आपकी सोच से नकारात्मक जो विचार होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव विचार आने की वजह से आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है, बहुत सी विद्याएं हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, तो क्या फायदा, कैसे जानेंगे लोग? तो आपके अंदर प्रेजेंट करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये जो आकर्षण मुद्रा है किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी देवी के लिए, किसी भी देवता के लिए आप जब साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो आकर्षण मुद्रा सबसे पहले लगाएं, जिससे कि आप जिस भी देवी की उपासना कर रहे हैं, किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, उनकी शक्तियां आपके पास जल्दी से जल्दी आनी शुरू हो जाए। इसको कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की प्रॉपर्टी आपके अंदर आना। हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि आप किसी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी आपके पास आती हैं और आपको बोलती हैं बोलो बेटा कितना दूं। ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं होता। उनकी प्रॉपर्टी आपके अंदर आती है, उनके अंश, उनकी जो खासियत है वो आपके अंदर आता है। आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो उनकी खासियत आपके अंदर आती है। उनकी खासियत का मतलब है कि ब्रेन का ऐसा भाग आपका आंदोलित होता है, एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, डिसीजन पावर मजबूत हो जाता है, तो जो भी डिसीजन लेते हैं वो सक्सेस होता है, तो धन आने के स्रोत बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन जो लक्ष्मी आती हैं, आकर आशीर्वाद देती हैं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा से आपके सोचने की पावर बढ़ जाती है, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, आवाज में एक प्रभाव बढ़ जाता है, स्पीच में एक प्रभाव बढ़ जाता है, भाषण देने की कला बढ़ जाती है, गायन की कला बढ़ जाती है, रचनात्मक विचार बढ़ जाते हैं, तब आप अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। लेकिन माता सरस्वती नहीं आती हैं कि आप कहें बोलो बेटा मैं क्या क्या दूं आपको, ये फिल्मों में होता है।
मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इसलिए जब आप आकर्षण मुद्रा उपयोग करते हैं तो ये देवी की जो प्रॉपर्टी या देवता की प्रॉपर्टी, जो भी आप साधना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं, कुंजिका मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान हनुमान का जाप कर रहे हैं, दुर्गा का जाप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उनके अंश तुरंत आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये मुद्रा आपको बहुत ही लाभ पहुंचाती है, इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा ये मुद्रा का उपयोग करें। ये आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है, आपकी सोच को सुंदर बनाती है, आपके मन के अंदर की जो गंदगी है उसको निकालती है। क्योंकि जब आपकी सोच सुंदर होती है तो आपके पास जो वाइब्रेशंस होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं, और उस वाइब्रेशन में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। और आप अगर गंदे विचार करते हैं, आपके वाइब्रेशन में कोई भी स्त्री पुरुष आएगा उसको स्वयं अच्छा नहीं लगेगा, आपका व्यवहार, आप स्वयं उससे अच्छे नहीं लगेंगे। जब आपकी सोच अच्छी होती है तो लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, नहीं तो कोई आपको पूछेगा नहीं। आकर्षण मुद्रा प्रयोग बहुत लाभकारी है। आज इसी की चर्चा कर रहे हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठे। देखिए, मैं हर बार एक शब्द बार बार रिपीट करता हूँ, ढीले ढाले वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। जब भी आप ध्यान प्राणायाम ये सब प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, अगर आप चुस्त कपड़े पहनते हैं सफोकेशन होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब मंत्र का जाप करते हैं अंदर से गर्मी निकलती है, और अगर आप चुस्त कपड़े पहनते हैं तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, यानी आपको उस साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हल्के गीले डाले सादे कपड़े पहनिए, ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं हो, बस इतना ध्यान रखें। आप बैठें, शांत कमरे में आप बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर आप बैठ जाएं। दोनों आंखों के बीच में ऐसे ध्यान दें, पिंच करें और 10 बार प्राणायाम करें। अब दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाएं। ये देखिए, मेरी उंगलियां आप देख रहे हैं, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये देखिए, फिर से ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया। बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखिए कैसे दिख रहा है, ये मुद्रा लगा लें। हमने ऐसे मुट्ठी बंद कर ली या ऐसे बंद कर लिया, बस आंख बंद कर लो। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है आपको, यानी जोर से सांस खींचना है, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस मुद्रा को लगाकर 10 बार से प्राणायाम करना है, यानी 4 से 5 मिनट का ही ये अभ्यास है। ये अभ्यास आप करें, ये अभ्यास करने के बाद आप किसी भी देवी की, देवता की साधना, आराधना, पूजा, व्रत, उपवास जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने परंपरा के अनुसार वो करें, लेकिन ये मुद्रा लगा लें। ये मुद्रा लगाने से ये होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके अंदर आती है और उससे आपको फायदा मिलता है। सिर्फ 4 से 5 मिनट का अभ्यास है और आपको आश्चर्यजनक बदलाव महसूस होगा। आप जो पूजा कर रहे हैं, जिस पद्धति से पूजा कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। खाली 5 मिनट का ये अभ्यास आपको पहले जोड़ देना है। सिंपल, ये देख लीजिए, ये मुद्रा हमने लगा ली, बस आंख बंद कर लिया, दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है, हो गया। छोटी सी बातें हैं लेकिन कहते ना कि बहुत विस्फोटक लाभ मिलता है। एक बीज होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ समाया रहता है। तो ये हमेशा समझें कि मुद्रा में शक्तियां बहुत होती हैं। मुद्रा को दुनिया में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। हमारे मुस्लिम भाई इस तरह की मुद्रा लगाते हैं, उसका अर्थ है, ये मुद्रा उसका अर्थ है, हर मुद्रा का अर्थ है।
कुछ लोग मुद्राओं का मजाक उड़ाते हैं, उनकी अपनी इच्छा। हमारा नियम तो सीधा है, आप प्रैक्टिस करो तो जानो। बाकी इस पर हम आपको क्या कहें, आप खुद प्रैक्टिकल करें, इसको महसूस करें, आपको लगेगा कि ये अभ्यास आपने पहले क्यों नहीं किया। बहुत अच्छी चीज है, आप अपने जीवन में इसका उपयोग करें और तरक्की करें। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद की भावना आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। बस ये मेरी गुरु दक्षिणा और कुछ नहीं। धन्यवाद।